जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। माइग्रेन यानी कि शिफ्टिंग, यहाँ से वहां अगर आप शिफ्ट करते हैं तो उसे हम लोग माइग्रेन होना बोलते हैं। तो यहाँ पे इस हेडेक का मतलब माइग्रेन जो पहले इस शब्दों में था, आजकल हम माइग्रेन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर हेडेक बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हो, बहुत ही ज्यादा दर्द के साथ हो, बहुत ज्यादा पेन हो उसमें, तो ऐसे हेडेक की कंडीशन और वो रिपीटेडली हो, मान लो किसी किसी को 15 दिन में एक बार या 7 दिन में एक बार या महीने में एक बार या किसी चीज के साथ वो कनेक्टेड हो, जैसे कि कोई बोलता है कि सर जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा सीवियर हेडेक हो जाता है, कभी अगर मैंने बाहर का कुछ खा लिया तो मुझे तुरंत ही हेडेक बहुत इंटेंसिटी के साथ होता है, डॉक्टर साहब मैं 3 से 4 बार पूरे एक दो दिन के अंदर मैं जब पेन किलर लेता हूँ तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिलता है। तो दोस्तों ये जो हेडेक होता है जो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ होता है, जिसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता हो, जो पीरियोडिक होता हो यानी कि सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार होता हो, या फिर किसी चीज के साथ कनेक्टेड हो कि बाहर के खाने के साथ या ट्रैवलिंग के साथ, तो ऐसे हेडेक को हम लोग माइग्रेन बोलते हैं। दोस्तों माइग्रेन की कुछ लक्षण ऐसे है कि जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ ये हेडेक नॉर्मल हेडेक नहीं है जो आज एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से हुआ है, बल्कि ये एक माइग्रेन की कंडीशन है जिसमें ये चीज बार बार हो सकती है। तो दोस्तों माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो जनरली वन साइडेड होता है, या तो वो राइट साइडेड होगा या तो वो लेफ्ट साइडेड होगा। कभी कभी यूजुअली पेशेंट्स में देखा जाता है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है या लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट होता है। दूसरा दोस्तों इसमें लाइट से ब्राइट लाइट हो या तो फिर ज्यादा आवाज हो वो बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है पेशेंट के लिए, और उसके साथ आवाज के साथ या लाइट के साथ वो पेशेंट वॉमिटिंग या नोसिया, जी कच्चा होना या वॉमिटिंग होना, ऐसे लक्षण भी देखे जाते हैं। जनरली हमें पाया जाता है कि इस टाइप का अगर बहुत ही इंटेंस हेडेक है तो उसमें वॉमिटिंग के बाद कभी कभी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो अगर आपको स्ट्रेस से या ब्राइट लाइट से या ज्यादा आवाज से या आपको हेडेक के साथ साथ गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस या आपको वॉमिटिंग या नोसिया यानी जी कच्चा होना, ये सारी चीजें अगर आपको मिलती है और वो कंडीशन ऐसी है कि उस हेडेक से आपको जल्दी रिलीफ नहीं मिलता और वो बार बार किसी चीज के साथ एसोसिएटेड होके हर 7 दिन पे या 15 दिन पे आपको आ जाता है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन को माइग्रेन बोलते हैं। दोस्तों आज के इस टॉपिक पे हम लोग माइग्रेन के बारे में बात करेंगे, माइग्रेन के कितने स्टेज होते हैं, कौन से स्टेज में कैसे लक्षण होते हैं, माइग्रेन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ट्रिगर कर सकती है, और कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो उस पर्टिकुलर कारण के साथ आपको आराम दे सकती है, उस पर्टिकुलर कारण को ठीक कर सकती है और आपका माइग्रेन जड़ मूल से ठीक करने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कुणाल ब्रह्मभट और आप है साई होम्यो सेवा केंद्र में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें माइग्रेन के स्टेज की, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे स्टेज आप समझ पाए कि हाँ अभी मैं पर्टिकुलरली इस स्टेज में हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको माइग्रेन को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। लेकिन जनरली आप अगर अपने सिम्टम्स को देखोगे तो जरूरी नहीं कि हर पेशेंट इस 4 स्टेज से पास हो, लेकिन इसमें जो स्टेजेस है उसके हिसाब से आप सिम्टम्स को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पहला जो स्टेज है उस स्टेज का नाम है प्रोड्रोम स्टेज। अब इस प्रोड्रोम स्टेज का मतलब होता है प्रो यानी कि आपको अटैक वाला स्टेज आए, माइग्रेन हो, उससे 1 या 2 दिन पहले आपको कुछ कुछ लक्षण दिखाई देंगे जिससे आप समझ पाओगे कि हाँ मुझे 1-2 दिन के बाद ये चीज होगी या बहुत ज्यादा इंटेंस हेडेक होगा। तो ये जो प्रोड्रोम स्टेज है दोस्तों, इस स्टेज के अंदर कॉन्स्टिपेशन होना यानी कि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होके कॉन्स्टिपेशन होना कॉमन है। नेक स्टिफनेस यानी कि यहाँ पे आपको इस मसल्स में, नेक की मसल्स में पेन होना, स्टिफ हो जाना, मूवमेंट करने में तकलीफ होना, ये चीज आपको कॉमनली दिखाई देती है। उसके साथ साथ अगर आपको ज्यादा प्यास की प्रमाण, आपको बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही है, बार बार आपको यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, बार बार आपको कुछ अच्छी चीजें खाने की इच्छा हो रही है, या तो आपका माइंड सेट है उसमें बार बार चेंजेस हो रहा है, आप डिप्रेशन में हो और सडनली थोड़े टाइम के बाद आपको यूफोरिया यानी कि आप हैप्पीनेस में या खुश हो जाते हो या इंटेंस या जॉय फील होती है, तो ये सारी जो कंडीशन है वो आपको माइग्रेन से 1-2 दिन पहले दिखाई देती है। इस स्टेज को बोला जाता है प्रीड्रोम स्टेज। दोस्तों प्रीड्रोम स्टेज के बाद दूसरा जो स्टेज है वो है ओरा। ओरा के स्टेज में जनरली दोस्तों ये ओरा का स्टेज होता है वो आपको अटैक यानी कि माइग्रेन का अटैक होगा उससे जस्ट बिफोर या तो फिर ड्यूरिंग अटैक, मतलब अटैक जब चल रहा है उस टाइम पे भी आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं।
दोस्तों ये जो स्टेज है ये लास्ट करता है, मतलब कि रहता है 20 मिनट से लेकर 60 मिनट तक के ड्यूरेशन में। इस स्टेज में जनरली आपको फीलिंग होगी कि आपके हाथ में नमनेस, या तो हाथ में सुन पड़ जाना, या नीडल जैसा प्रिकिंग होना, या तो ब्लर विजन, आपको ज्यादा आईस में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ब्लर विजन आपको आ रहा है, आप धुंधला धुंधला देख रहे हो, या तो फिर इसमें ऐसी कंडीशन होगी कि आपको स्पॉट्स आईस के सामने ऐसे ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देंगे, आपको बोलने में डिफिकल्टी होगी, स्पीच में आपको डिफिकल्टी होगी। तो दोस्तों अगर आईस रिलेटेड, बोलने रिलेटेड, या तो आपके आर्म्स में सेंसेशन अगर होता है तो इस स्टेज को बोला जाता है ओरा। ये ड्यूरिंग अटैक और या तो फिर जस्ट अटैक होने के जस्ट 20-60 मिनट के अराउंड में आपको होता है। और दोस्तों इसके बाद जो स्टेज है वो है अटैक स्टेज। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेज यानी कि अटैक स्टेज, जो मेन स्टेज है जिसमें जनरली पेशेंट को सारे लक्षण फील होते हैं, जिसमें पेशेंट अपना जो हेडेक है उसकी इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ओरा का स्टेज खत्म होते ही नॉर्मल जो हेडेक के जो सिम्टम्स है वो अपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि इंटेंस हीटिंग हेडेक होता है, इंटेंस कोई भी वन साइड में, अगर राइट साइडेड हो रहा है तो पूरा राइट साइड में कंटिन्यूअसली पीछे की तरफ से आगे की तरफ हेडेक हो रहा होता है, या तो कोई स्पॉट्स में हो रहा होता है, या तो लेफ्ट साइड हो रहा है तो पूरा कंप्लीटली लेफ्ट साइड में हेडेक होता है। हेडेक के साथ साथ नोसिया, वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, या तो खाते ही तुरंत वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, या तो बहुत ही ज्यादा आवाज या बहुत ही ज्यादा लाइट आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, आपको थोड़ा भी आवाज होगा तो आपको हेडेक और ज्यादा ट्रिगर कर जाएगा। तो ये जो सारे लक्षण है जिसमें जनरली आपको इंटेंसिटी बहुत ज्यादा फील होती है, आप कोई भी एक जगह पे आराम से बैठ नहीं सकते, रेस्टलेस ज्यादा होती है, अगर आप एक जगह पे बैठना चाहते भी हो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आजू बाजू में कोई ना हो, आवाज एकदम कम हो। तो ये जो सारे लक्षण है, ब्राइट लाइट के लक्षण, विजन के लक्षण, या तो फिर स्पीच में डिफिकल्टी आना, या तो हेडेक इतना इंटेंस होना कि पूरा एक राइट साइड या तो लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअसली पेन होना, पेन की जो टाइप होती है थ्रोबिंग पेन या पल्सेटिंग पेन, या तो यानी कि एक जोर जोर से आपको हेड में एकदम धनक जैसा होता है, उसके साथ साथ दोस्तों कभी कभी ये पेन हेमरिंग टाइप का पेन होता है, जैसे कोई बहुत जोर से हथौड़ा मार रहा हो। तो ये सारे जो लक्षण है वो हमें अटैक वाले स्टेज में दिखाई देते हैं। ये लगभग 4 घंटे से लेके 1-2 दिन तक किसी किसी पेशेंट्स में ये दिखाई देते हैं। ये वेरीज करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट टू पेशेंट, किसी किसी में ये कम टाइम के लिए होते हैं, किसी किसी में ये पूरा 1-1 दिन 2-2 दिन तक रहते हैं। तो दोस्तों ये अटैक वाले स्टेज के बाद जब रिलीफ हो जाता है आफ्टर सो मच पेन किलर, या आप जिस तरह से पेन किलर खा के या किसी भी तरह से आप उसको आराम दे देते हो, तो उसके बाद आता है पोस्ट ड्रॉम स्टेज। पोस्ट ड्रॉम स्टेज में दोस्तों जनरली हमें कंफ्यूजन होता है, या हम वीक हो जाते हैं, कुछ टाइम तक हमें लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद नहीं आता है, हम लोग उस स्टेज से अभी जस्ट बाहर निकले हैं सीवियर हेडेक के स्टेज में, तो 1-2 दिन तक हमारा स्टेबिलिटी रूटीन लाइफ की तरफ आना चाहिए, वो आने में दोस्तों टाइम लगता है। तो ये जो चारों के चारों स्टेज है, तो स्टेज इक्वली हम कंबाइन करके देखे तो 1 दिन से लेके 2-3 दिन तक ये सीवियर हेडेक वाली कंडीशन, जिसे हम लोग दोस्तों माइग्रेन बोलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं माइग्रेन के ट्रिगर पॉइंट की ओर, कैसी कैसी चीजें जनरली पेशेंट्स को ट्रिगर कर सकती है और माइग्रेन जैसी कंडीशन को डेवलप कर सकती है, उसके साथ ही दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके कॉज। हालांकि इसके कॉज उतने वेल नोन नहीं है, हम उसका कॉज पर्टिकुलरली नहीं जान सकते, लेकिन जितना समझ में आया है आज तक कि ब्रेन में से जो रिलीज होता है केमिकल सेरोटोनिन वो पेन को बैलेंस करने का काम करता है, लेकिन कभी कभी इस सेरोटोनिन का इनबैलेंस हो जाना उसकी वजह से किसी किसी ट्रिगर पॉइंट किसी किसी चीजों की वजह से ये सेरोटोनिन इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पेन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और पेन की इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है। तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट माइग्रेन में अगर देखा जाए तो इसके ट्रिगर पॉइंट है। तो इसमें ट्रिगर पॉइंट में अगर देखा जाए तो दोस्तों किसी किसी को ये स्ट्रेस से इंड्यूस होता है, मेंटल स्ट्रेस से, या कोई फिजिकल ओवर स्ट्रेनिंग हो जाए, या तो फिजिकल ओवर वर्क की वजह से होता है, किसी किसी को ये अल्कोहल जैसे ड्रिंक की वजह से होता है, किसी किसी को बाहर के फूड की वजह से होता है, कभी कभी देखा गया है कि फीमेल में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, कुछ हार्मोन के चेंज होने की वजह से माइग्रेन जैसी कंडीशन डेवलप होती है। कभी कभी दोस्तों स्लीप पैटर्न यानी कि हमारी जो नींद है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से माइग्रेन जैसी कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों ये जितने भी ट्रिगर पॉइंट है, ये ट्रिगर पॉइंट की वजह से हो सकता है कि हमारे सेरोटोनिन लेवल का इंबैलेंस होता हो, और जिसकी वजह से हमारा पेन पाथवे बैलेंस में ना रहता हो, और जिसकी वजह से हमें इतना इंटेंस पेन हो सकता है। और दोस्तों अगर बात करें इस कंडीशन की, तो इस कंडीशन में हमें रिलीफ मिलना, एक तो हम अब उस सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश करें, या तो फिर हम होम्योपैथिक दवाइयों से उस कंडीशन को, हमारी बॉडी को उस लेवल
तक ले जा सके कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर जो ट्रिगर पॉइंट है उसको सह सके और हमारा सेरोटोनिन लेवल इम्बेलेंस ना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि माइग्रेन में होम्योपैथिक दवाइयों का क्या रोल है और क्या होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से हम लोग माइग्रेन को जड़ मूल से ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं और वो किस टाइप के माइग्रेन में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं होम्योपैथिक की माइग्रेन की दवाइयों की ओर। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में हम लोग कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं माइग्रेन में। अगर दोस्तों आपको माइग्रेन की तकलीफ राइट साइड में होती है, अगर आपको राइट साइड में पेन पीछे की तरफ से आगे की तरफ आ रहा है और वो आईज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो जा रहा है, यहाँ पे आपको पेन बहुत ही सीवियर हो रहा है, थ्रोबिंग सेंसेशन हो रहा है, पल्सेटिंग पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों होम्योपैथी दवाई है जो राइट साइडेड माइग्रेन कंडीशन में बहुत ही अच्छे से काम करती है। उस दवाई का नाम है दोस्तों सेंगुनेरिया 30। आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, 15 दिन तक आप सुबह शाम दो टाइम दो बूंद अपने टंग पे लेके आप उसको एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। कंटिन्यू 15 दिन खाने के बाद आपको डेफिनेटली राइट साइडेड अगर हेडेक है तो इसमें काफी आराम मिलेगा। दोस्तों सेंगुनेरिया के बारे में एक और मैं आपको अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि सेंगुनेरिया मेडिसिन के अंदर आपको राइट साइडेड कंप्लेन और भी बहुत ज्यादा मिलेगी, जैसे कि राइट साइड नोस्टिल्स में ब्लॉक होना या राइट साइड का फेशियल पार्ट में आपको पेन होना, या तो उसके साथ दोस्तों एक और कॉमन सिम्टम बताता हूं कि जो रेस्टिंग डे होते हैं जैसे कि सैटरडे संडे जब आप नॉन वर्किंग होते हो, ज्यादा काम नहीं होता है, तो उस टाइम में हेडेक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, आपको हेडेक बहुत ज्यादा सीवियर होगा। दोस्तों यहाँ पे सेंगुनेरिया के हेडेक में आराम मिलने की जो पोजीशन है, आप अगर लेट जाओगे या आप सो जाओगे तो उस कंडीशन में आपका हेडेक रिलैक्स होता है। तो अगर दोस्तों आपको इस टाइप के लक्षण है जिसमें राइट साइड हेडेक हो, आपको रेस्ट डेज में ज्यादा तकलीफ होती हो, तो वैसी कंडीशन में दोस्तों आप सेंगुनेरिया 30 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अपोजिट दोस्तों अगर यही कंडीशन आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेफ्ट साइड हेडेक आपको है, अगर आपको लेफ्ट साइड में हेडेक ऑक्सीपिटल यानी कि पीछे के साइड पे या तो आगे आते आते अगर वो आईज के ऊपर यहाँ पे अगर वो सेटल डाउन हो जा रहा है हेडेक, या तो आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, तो ऐसी कंडीशन में लेफ्ट साइड के लिए दोस्तों सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है स्पाइजिलिया। स्पाइजिलिया 30 आप रेगुलर 15 डेज पर ले सकते हैं, 15 डेज तक दो बूंद सुबह शाम अपनी टंग पर लीजिए और रेगुलर 15 डेज तक उसको लेने के बाद आपको डेफिनेटली लेफ्ट साइड हेडेक में आराम मिलेगा। दोस्तों अगर हेडेक राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, इसमें आप सेंगुनेरिया लेंगे या स्पाइजिलिया लेंगे, उसके साथ दोस्तों मैं आपको एक दवाई बताना चाहूंगा जो कैसी भी हेडेक की कंडीशन हो, अगर उसकी सीवियरिटी को आपको जल्दी से कम करना है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप बेलाडोना 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी हेडेक में सुबह शाम अगर लोगे तो आपकी हेडेक की जो मात्रा है, इंटेंसिटी है, वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपको हॉट वेदर से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सनलाइट से ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वुमेन्स जो जनरली गैस लाइट के सामने काम करती है, जिनको रोटी बनाना या कोई भी बहुत ज्यादा हॉट फ्लैश के सामने काम करना होता है, कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनको ज्यादातर हॉट एरिया में काम करना होता है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि अगर मुझे हॉट वातावरण ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, आपके हेडेक को बढ़ा रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ग्लोनाइन 30 का आप यूज कर सकते हैं। ग्लोनाइन 30 सुबह शाम आप दो बूंद अपने टंग पे लेके रेगुलर यूज करोगे, तो हॉट वेदर से अगर आपको तकलीफ हो रही है, हॉट फ्लैश से अगर आपको तकलीफ हो रही है, सनलाइट से अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये चार दवाइयों के साथ साथ दो दवाइयों का और मैं जिक्र करना चाहूंगा जो है कार्बोवेज और नक्सोमिका। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको ड्रिंक की हैबिट है और अल्कोहल कंजम्पशन के बाद आपको हेडेक बहुत ज्यादा दूसरे दिन या उस दिन बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों नक्सोमिका 30 आप यूज कर सकते हैं। नक्सोमिका 30 को दो टाइम लेने की जरूरत नहीं है, नक्सोमिका 30 आप डेली रात में सोने से पहले ले लीजिए। अगर आपको आफ्टर ड्रिंक जो हेडेक होता है वो अगर आपको है, ड्रिंक की वजह से आपको ट्रिगर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली बहुत आराम मिलेगा। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, आपको लगता है कि आपका जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उस गैस्ट्रिक कंडीशन की वजह से आपका हेडेक ट्रिगर हो रहा है, तो दोस्तों इस कंडीशन में कार्बोवेज बहुत बेहतरीन काम करेगी, क्योंकि कार्बोवेज 30 को रेगुलर दो टाइम अगर आप लोगे, दो से तीन बूंद लेने के बाद आपको डेफिनेटली गैस में आराम मिलेगा, और गैस में अगर आपको आराम मिलेगा तो
इनडायरेक्टली आपका हेडेक सबसाइड हो जाएगा, इनडायरेक्टली आपको हेडेक ट्रिगर नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको ये गैस्ट्रिक ट्रबल ऐसा है कि जिसमें इरेक्टेशन नहीं हो रहा है, गैस नहीं निकल रहा है, अगर आपको गैस निकल रहा है तो आप उसमें कार्बोवेट ले सकते हो, लेकिन अगर गैस आपको रहता है, पेट हैवी हैवी लगता है, गैस आपका पास नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप चाइना 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोवेज की जगह पे आप चाइना 30 सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों एक ट्रिगर पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जिसमें स्ट्रेस इंड्यूस हेडेक होता है, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने की वजह से या आप छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा रिएक्ट करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप कैलीफॉस 6X बायोकेमिक टेबलेट सुबह 3 टेबलेट, शाम को 3 टेबलेट अगर आप कंटिन्यूअसली लोगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम रहेगा, आप ज्यादा हाइपर या ज्यादा एक्साइटेबल नहीं रहोगे, और जिसकी वजह से आपका जो हेडेक ट्रिगर हो रहा है वो ट्रिगर नहीं होगा और आपको काफी हद तक इसमें आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी सिम्टोमेटिक मेडिसिन को आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को डायरेक्टली अपने टंग पे लेके एब्जॉर्ब करवा सकते हो और कंटिन्यूअसली इसको 15 दिन तक खा सकते हो, जिससे आपको हेडेक में काफी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ दोस्तों 2 दवाइयां और है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अगर दोस्तों आपको ये कंप्लेन, ये सेंसिटिविटी आपको अगर ज्यादा है, आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आवाज आता है जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो जा रहा है, या तो फिर आपको नींद के टाइम पे या किसी भी टाइम पे अंदर आवाज आती हो, सीटी बजने की आवाज, उसको टाइनिटस बोला जाता है दोस्तों, ऐसी कंडीशन अगर आपको है कि सीटी बजने की आवाज आ रही है या तो कोई इंसेक्ट घूम रहा है ऐसी आवाज आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में, और दोस्तों इसके साथ अगर आपको कैरेज राइडिंग का फियर है, जैसे कि आप किसी भी बंद गाड़ी में जब ट्रैवल करते हो तो आपको सफोकेशन फील होता है और आपको इस सारी चीज की वजह से हेडेक हो जाता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, और दोस्तों अगर आपको इन सारे सिम्टम्स के साथ ये जब न्यूरोलॉजिया ठीक हो जाता है, यानी कि जब पेन ठीक हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। हेडेक ठीक होने के बाद आपको कुछ टाइम तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या तो आपको मैनिक कंडीशन हो जाती है जिसमें आप कुछ चीज टॉलरेट नहीं कर पाते हो, तो दोस्तों इसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है सिमिसिफुगा। ये दोस्तों आप 30 पोटेंसी में सुबह शाम कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक लास्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, दैट इज जलसीमियम। जलसीमियम दोस्तों आप तब ले सकते हो ऐसी कंडीशन में जब आपको हेडेक है और आप किसी का भी आवाज या किसी से बात करना प्रेफर नहीं करते हो, आपको अकेला रहना और क्वाइट रूम में रहना ज्यादा अच्छा लगता हो। दोस्तों अगर आपको हेडेक ट्रिगर हो रहा है उसके पीछे का रीजन है कोई एक्साइटमेंट, कोई ऐसी न्यूज आपने सुन ली, या सडन कोई ऐसा फियर आ गया, या सडन ऐसी कोई फ्राइट की कंडीशन आ गई जिसके बाद से आपका हेडेक बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप जलसीमियम ले सकते हैं। जलसीमियम की कंडीशन में जनरली पेशेंट को होप ज्यादा लूज हो जाती है, पेशेंट जनरली होपफुल नहीं रहता, उसे लगने लगता है कि अब मेरा हेडेक ये कभी ठीक नहीं होने वाला, मुझे इसी कंडीशन के साथ रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं कि अगर आपने होप खो चुके हैं, आपको लगता है कि अब मेरे पास ये होप नहीं है कि मैं ये इस चीज को ठीक कर सकती हूं, मेरा जो लास्ट तिनके का सहारा था वो भी अब खत्म हो चुका है, अब मैं ये इससे कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप जलसीमियम लेके देखिए। जलसीमियम की आप 200 की पोटेंसी लीजिए और उसको आप 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन करके सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में 2 बूंद अपने टंग पे लेके एब्जॉर्ब करवाइए और वो हर वीक आप रिपीट कीजिए। दोस्तों इसके साथ ये सारी जो सिम्टोमेटिक और ये प्लस 2 दवाइयां है, इसके साथ दोस्तों R16 एक पैटर्न मेडिसिन है जो होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। ये R16 में दोस्तों सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जिसकी मदद से आप 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम अगर आधे कप में R16 मेडिसिन लोगे तो आपको डेफिनेटली ये सारे सिम्टम्स रिलीफ हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी मेडिसिंस आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरी ये सलाह है जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जिसमें वो आपके सिम्टम्स को अच्छे से समझ पाएंगे और आपको आपके सिम्टम्स के रिलेटेड जो होम्योपैथिक दवाइयां है उसको मैच करके दे सकते हैं। इससे आपका माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो जड़ मूल से ठीक हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।